OnePlus Nord CE4 5G versus Moto H 50 Pro 5G, दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, किसमें हमें अच्छे कैमरास मिलते हैं, किसमें हैवी गेमिंग मिल जाएगी एंड किसमें एक अच्छी क्वालिटी की प्रीमियम डिस्प्ले भी दी जा रही है कंटेंट वॉचिंग के लिए, सारी चीजें देखने वाले हैं। सो अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको अंडर 32,000 रुपीस OnePlus Nord CE4 लेना चाहिए या फिर Moto H 50 Pro 5G, तो आप आज के इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना। OnePlus Nord CE4 का बैक प्लास्टिक से बना हुआ है बट इसके फ्रंट में ग्लास दिया गया है, लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कौन सा ग्लास यहाँ पर यूज किया गया है। हालांकि इसके फ्रेम प्लास्टिक से बने हुए हैं, रियर में दो कैमरास मिल जाते हैं एंड एक फ्लैट डिस्प्ले भी दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ Moto H 50 Pro 5G के बैक पर आपको वीगल लेदर दिया जा रहा है एंड इसके फ्रेम एल्यूमिनियम से बने हुए हैं, इसके फ्रंट में आपको ग्लास दिया गया है बट सेम लाइक OnePlus, Moto ने भी मेंशन नहीं किया है कि कौन सा ग्लास यहाँ पर यूज किया है। वेल, वेट की बात करें तो OnePlus Nord CE4 का वेट 186 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 8.4 mm है, वहीं Moto के स्मार्टफोन का वेट 186 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 8.19 mm है। तो भाई दोनों स्मार्टफोन्स का जो वेट है वो काफी ज्यादा बैलेंस्ड है, वो ना तो ज्यादा हैवी है ना ही ज्यादा लाइट वेट है। दोनों स्मार्टफोन्स में आपको डिजाइन काफी ज्यादा अच्छी लगती है बट मुझे पर्सनली Moto के स्मार्टफोन की डिजाइन और ज्यादा अच्छी लगी और ज्यादा प्रीमियम फील देगी। वेल, आपके अकॉर्डिंग किसकी ज्यादा अच्छी है आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। OnePlus Nord CE4 5G में 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दी जा रही है एंड ये 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ Moto H 50 Pro 5G में 6.7 इंच की 1.5 के कर्व्ड पीओएलई डिस्प्ले दी जा रही है एंड ये 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वैसे तो दोनों स्मार्टफोन्स में आपको स्मूथनेस काफी अच्छी मिल जाएगी जब भी आप यहाँ पर सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करोगे या फिर आप गेमिंग करोगे, बट Moto के स्मार्टफोन में आपको थोड़ी और बेहतर स्मूथनेस मिल जाएगी क्योंकि इसमें आपको 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दी जा रही है, यानी कि 120 हर्ट्ज एंड 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट में आपको माइनर सा डिफरेंस मिलता है। दोनों स्मार्टफोन्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया जा रहा है जो काफी अच्छे से वर्क करता है। ब्राइटनेस की बात करें तो भाई OnePlus ने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है कि यहाँ पर आपको कितने निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया जा रहा है बट इसमें आपको सफिशियंट ब्राइटनेस मिल जाता है। वहीं Moto H 50 Pro 5G में 2000 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया जा रहा है जो कि काफी ज्यादा बेस्ट है। सो भाई अगर आपको और ज्यादा ब्राइट पैनल चाहिए देन डेफिनेटली आपको Moto के स्मार्टफोन के साथ में जाना चाहिए। हालांकि आप दोनों स्मार्टफोन्स में डायरेक्ट सनलाइट में किसी भी तरह के आर्टिकल को रीड कर सकते हो, मूवीज देख सकते हो, वहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी के अलावा दोनों स्मार्टफोन्स में वाइडवाइन L1 एंड HDR 10 प्लस का सपोर्ट दिया जा रहा है जिसकी मदद से आप OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स एंड Amazon Prime पर भी फुल HD में कंटेंट को स्ट्रीम कर पाओगे, तो वहां पर भी आपको काफी बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाएगा। वैसे तो कंटेंट वॉचिंग के लिए दोनों स्मार्टफोन्स में आपको काफी बढ़िया डिस्प्ले मिल जाती है, उनमें आपको काफी वाइब्रेंट कलर्स मिल जाते हैं, काफी शार्प कलर्स आ जाते हैं, बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो बहुत ज्यादा कंटेंट को वॉच करते हो, वेब सीरीज देखते हो, मूवीज देखते हो, देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पर आपको Moto H 50 Pro 5G को परचेस करना चाहिए फॉर द कंटेंट वॉचिंग, क्योंकि Moto वालों ने Pantone के साथ में पार्टनरशिप की है जिसमें आपको डिस्प्ले एंड कैमरास काफी ज्यादा एनहांस्ड मिलने वाले हैं। तो भाई H 50 Pro 5G की जो डिस्प्ले है उसमें आपको और ज्यादा बेटर कलर्स मिलेंगे। देखो, फ्लैट डिस्प्ले एंड कर्व डिस्प्ले के कुछ अपने फायदे एंड नुकसान होते हैं, जैसे कि फ्लैट डिस्प्ले में आपको काफी बढ़िया ग्रिप मिल जाती है वाइल प्लेइंग गेम्स, बट कर्व डिस्प्ले में आपको इतनी अच्छी ग्रिप नहीं मिलती है, लेकिन ये काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है देखने में। सो अगर आपको एकदम प्रीमियम डिस्प्ले चाहिए देन डेफिनेटली आपको Moto के स्मार्टफोन के साथ में जाना चाहिए, बट अगर आप कभी कभार गेमिंग करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको फ्लैट डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन कंसिडर करना चाहिए। OnePlus Nord CE4 5G में 5500 mAh की बैटरी मिलती है एंड ये 100 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, बट यहाँ पर आपको कोई भी वायरलेस या फिर रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। हालांकि इस फोन में आपको डुअल स्पीकर्स दिए जा रहे हैं जो काफी अच्छा साउंड करते हैं, बट उनमें आपको डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर्स दिए जा रहे हैं या फिर नहीं, वो चीज भी OnePlus ने नहीं बताई है। वेल, यहाँ पर आपको 3.5 mm के ऑडियो जैक प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं बट इसमें आपको IP54 की रेटिंग दी जा रही है, तो ये स्मार्टफोन पानी के छींटों से बच जाएगा। वहीं दूसरी तरफ Moto H 50 Pro 5G में 4500 mAh की बैटरी मिलती है एंड ये 125 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, साथ ही में 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट एंड 10 वाट का रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी दिया जा रहा है जो काफी प्रीमियम फीचर्स हैं। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, जो इस स्मार्टफोन का छोटा वेरिएंट है यानी कि 8GB रैम एंड 256GB की स्टोरेज, उसके बॉक्स में आपको 68 वाट का चार्जर दिया जा रहा है, बट इसका जो बड़ा वाला वेरिएंट है यानी कि 12GB रैम एंड 256GB की स्टोरेज, उसके बॉक्स में आपको 125 वाट का चार्जर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है Moto ने डिस्क्रिमिनेशन किया है छोटे बड़े में। खैर, दोनों
वेरिएंट्स 125 वाट के चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। इसी के अलावा मोटो एच 50 प्रो 5G में डॉल्बी एटमॉस के डुअल स्पीकर्स दिए जा रहे हैं, जिनकी साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा क्लियर है, काफी ज्यादा लाउड आती है। एंड इसमें आपको NFC का सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही में IP68 की रेटिंग दी जा रही है। तो भाई आप इस स्मार्टफोन को अंडर वाटर भी यूज कर सकते हो। ओवरऑल अगर आपको एकदम मैसिव बैटरी चाहिए, बहुत ज्यादा अपने स्मार्टफोन को यूज करते हो, देन आपको OnePlus Nord CE4 5G को परचेस करना चाहिए। बट वही अगर आप कैजुअल यूजर हो, अपने स्मार्टफोन को बस डेली यूजर्स के लिए यूज करते हो, देन आप मोटो एच 50 प्रो 5G के साथ में जा सकते हो। एंड अगर आपको वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट चाहिए, IP रेटिंग बढ़िया चाहिए, देन डेफिनेटली मोटो का स्मार्टफोन आपके सारी नीड्स को फुलफिल कर देगा। मतलब ये है, और ज्यादा अच्छी बड़ी बैटरी के मामले में OnePlus का स्मार्टफोन विनर है, बट और अच्छे प्रीमियम फीचर्स के मामले में मोटो का स्मार्टफोन विनर है। OnePlus Nord CE4 5G Oxygen OS 14 पर रन करता है एंड ये Android 14 पर बेस्ड आता है आउट ऑफ द बॉक्स। साथ ही में इस स्मार्टफोन में 2 साल के OS अपडेट्स एंड 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ Moto H 50 Pro 5G Helio UI पर रन करता है, जो कि इनका नया UI है एंड ये Android 14 पर बेस्ड आता है आउट ऑफ द बॉक्स। साथ ही में इस स्मार्टफोन में 3 साल के OS अपडेट्स एंड 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी दिए जाएंगे, यानी कि OnePlus के स्मार्टफोन में आपको Android 16 तक के अपडेट्स मिलेंगे, वही Moto के स्मार्टफोन में Android 17 तक के अपडेट्स मिल जाएंगे। तो और अच्छे फ्यूचर अपडेट्स के मामले में मोटो का स्मार्टफोन आगे जाता है। खैर दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन के UI में आपको कोई भी एड्स देखने को नहीं मिलेंगे एंड ना ही उनमें आपको हॉट एप्स या फिर हॉट गेम्स दिए जा रहे हैं। हालांकि दोनों स्मार्टफोन्स में आपको थोड़े बहुत प्रीलोडेड एप्स देखने को मिल जाएंगे, जिनको आप इजीली डिलीट कर सकते हो। बात करें 5G कनेक्टिविटी की, तो भाई OnePlus Nord CE4 5G में 7 5G बैंड्स ऑफर किए जा रहे हैं, वहीं मोटो के स्मार्टफोन में 15 5G बैंड्स ऑफर किए जा रहे हैं। तो 5G कनेक्शन भी आपको दोनों में ही अच्छा मिल जाएगा। ओवरऑल दोनों स्मार्टफोन्स के UI काफी ज्यादा प्रीमियम है, वो आपको काफी प्रीमियम फील दे देंगे। अगर आपको एकदम क्लीन UI चाहिए तो आप मोटो के स्मार्टफोन के साथ में जाना चाहिए, बट अगर आपको थोड़ा सा मिक्स्ड UI एक्सपीरियंस चाहिए तो आप OnePlus के स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हो। तो भाई इन दोनों स्मार्टफोन्स में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का प्रोसेसर दिया जा रहा है, जो 4nm पर बेस्ड आता है। वेल ये जो प्रोसेसर है वो काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। दोनों स्मार्टफोन्स में LPDDR4X की रैम टाइम मिलती है, लेकिन OnePlus के स्मार्टफोन में UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है, वहीं मोटो के स्मार्टफोन में UFS 2.2 की स्टोरेज दी जा रही है, जो काफी डिसअपॉइंटिंग चीज है, क्योंकि जो मोटो का स्मार्टफोन है वो 32,000 रुपए की रेंज में आता है, फिर भी इसमें हमें UFS 2.2 की स्टोरेज दी जा रही है। खैर दोनों स्मार्टफोन्स मल्टीटास्किंग में बेस्ट है, आपकी डेली टास्क को इजीली कर सकते हैं। आपके जितने भी हैवी टास्क होते हैं, वीडियोस को एडिट करना हो, मल्टीटास्किंग करना हो, सारी चीजें आसानी से रन करती हैं। साथ ही में आप दोनों स्मार्टफोन्स में COD एंड BGMI जैसे गेम्स को खेल सकते हो, वहां पर आपको काफी अच्छी गेमिंग मिल जाएगी, काफी स्मूथ गेमिंग मिल जाएगी। सवाल ये आता है कि आपको दोनों में से और अच्छी गेमिंग किसमें मिलती है। तो भाई देखो, वैसे तो दोनों स्मार्टफोन्स में आपको सेम प्रोसेसर मिलता है, दोनों स्मार्टफोन्स का एंटूटू स्कोर लगभग 800,000 प्लस आता है, तो दोनों स्मार्टफोन्स में आपको ऑलमोस्ट सेम गेमिंग मिल जाएगी, सेम परफॉर्मेंस मिल जाती है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको अगर अच्छी गेमिंग एंड परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको OnePlus Nord CE4 को लेना चाहिए। OnePlus Nord CE4 5G में मेन सेंसर 50MP का दिया गया है विद OIS, सेकंड 8MP का अल्ट्रावाइड दिया जा रहा है एंड इसके फ्रंट में 16MP का सेंसर दिया जा रहा है। वेल आप इस फोन के रियर कैमरा से 4K एट 30fps में वीडियोस को शूट कर पाओगे, वहीं इसके फ्रंट कैमरा से आप 1080p एट 30fps में वीडियोस को शूट कर पाओगे। वहीं Moto H 50 Pro 5G में आपको मेन सेंसर 50MP का दिया गया है विद OIS, सेकंड 13MP का अल्ट्रावाइड दिया जा रहा है एंड थर्ड 10MP का टेलीफोटो लेंस दिया जा रहा है एंड इसके फ्रंट में 50MP का सेंसर दिया जा रहा है। वेल गुड न्यूज ये कि आप इस फोन के रियर एंड फ्रंट कैमरा से ही 4K में वीडियोस को शूट कर पाओगे एट 30fps। खैर दोनों स्मार्टफोन्स की वीडियोस काफी ज्यादा स्टेबल आते हैं। फोटोज की बात करें तो भाई दोनों स्मार्टफोन्स डे लाइट में आपको काफी अच्छी इमेजेस दे देते हैं, उनमें आपको अच्छे कलर्स मिल जाते हैं, काफी बढ़िया डिटेल्स आ जाती हैं, डायनेमिक रेंज में भी कोई इशू नहीं होता है, कलर टोन अच्छा आ जाता है, लो लाइट हो या फिर नाइट का समय हो वहां पर भी दोनों स्मार्टफोन्स आपको अच्छे शॉट्स दे देते हैं। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि Moto H 50 Pro 5G में आपको और ज्यादा बढ़िया कैमरास मिलते हैं एज कम्पेयर टू OnePlus Nord CE4 5G। सो भाई अगर आपको दोनों में से और अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आपको Moto H 50 Pro 5G को परचेस करना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि Nord CE4 5G के कैमरास वर्स्ट हैं। OnePlus Nord CE4 5G का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम एंड 128GB की स्टोरेज, उसका करंट प्राइस 24,999 रखा गया है, यानी कि 25,000 रुपए से कम में आपको ये मिल जाएगा। वहीं Moto H 50 Pro 5G का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम एंड 256GB की स्टोरेज, उसका करंट प्राइस 31,999 रखा गया है। सो सवाल ये आता है कि आपको दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। अगर आपका बैट 25,000 रुपए है एंड 25,000 रुपए में आपको एक अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छी गेमिंग चाहिए, साथ ही में काफी बड़ी बैटरी हो, अच्छा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट हो, बढ़िया डिस्प्ले हो एंड डिजाइन भी काफी अच्छी हो, देन नो डाउट OnePlus Nord
और CE4 5G आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एंड ये 25,000 रुपए में आने वाला काफी अच्छा स्मार्टफोन है। आप इसको वैल्यू फॉर मनी डिवाइस कह सकते हो, बट वहीं अगर आपका बजट 32,000 रुपए है एंड 32,000 रुपए में सोच रहे हो कि आपको दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, देन ऑब्वियसली आपको मोटो के स्मार्टफोन के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको और अच्छे कैमरास मिलते हैं और बढ़िया चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है, प्रीमियम डिजाइन मिल जाती है और अच्छी प्रीमियम डिस्प्ले मिल जाती है, काफी अच्छी आईपी रेटिंग मिल जाती है एंड इसमें आपको गेमिंग एंड परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी मिल जाती है। इन शॉर्ट अगर आपको अच्छी गेमिंग के साथ साथ अच्छे कैमरा चाहिए एंड बड़ी बैटरी चाहिए तो OnePlus Nord CE4 5G आपके लिए बेस्ट चॉइस रहने वाली है, बट अगर आपको और अच्छे कैमरा चाहिए और प्रीमियम डिजाइन चाहिए देन आपको Moto H50 Pro 5G को परचेस करना चाहिए। तो भाई यही था इन दोनों स्मार्टफोन्स का ऑनेस्ट कंपैरिजन। आपके इनके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। अगली वीडियो में किस स्मार्टफोन के साथ मैं कंपेयर करूं वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।